कैसे हो दोस्तों, आप सभी का मार्वल की द स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन में स्वागत है। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई भी एपिसोड रिलीज़ नहीं किया है। दरअसल ये कोरोना वायरस की वजह से मैं कुछ काम में फंस गया था, पर अब सब कुछ ठीक हो गया है और अब लॉकडाउन है तो मैं पूरे दिन फ्री हूँ और इसीलिए इसकी भरपाई करने के लिए मैं आप सभी के लिए डेली अपलोड्स लेके आ रहा हूँ। तो चलिए अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन आगे बढ़ाते हैं। अर्थ 2818 के स्पाइडरमैन को मारने के लिए मॉर्लुन वहां पर पहुंचता है और उसके पीछे पड़ता है। स्पाइडरमैन अपने जोक से मॉर्लुन को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, पर मॉर्लुन उसके पीछे आ जाता है और उसे चाकू से मार देता है। पर हम देखते हैं कि तब स्पाइडरमैन एक साइबॉर्ग में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। वो अपने पीछे अपनी कैनन को एक्टिवेट करता है और उस कैनन से मॉर्लुन पर फायर करता है। मॉर्लुन कहता है कि भले ही तुम्हारे पास बहुत सारे वेपन्स हो, पर तुम मुझे रोक नहीं सकते हो। साइबर स्पाइडरमैन कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, मुझे तुम्हारे आने का पहले से ही पता था। मैं अकेला तो तुम्हें नहीं रोक सकता, पर हम सारे स्पाइडरमैन मिलकर तुम्हें रोक सकते हैं। तभी सभी अल्टरनेट यूनिवर्स के स्पाइडरमैन वहाँ पर आ जाते हैं। साइबॉर्ग स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन इंडिया, स्पाइडरमैन नॉयर, सिक्स आर्म स्पाइडरमैन, स्पाइडर मंकी, स्पाइडर गर्ल और दी सुपीरियर स्पाइडरमैन, ये सभी मिलकर मॉर्लुन पर हमला करते हैं। दी सुपीरियर स्पाइडरमैन अपने डिवाइस की मदद से मॉर्लुन को ट्रैप कर देता है और उसमें से एनर्जी निकालना शुरू कर देता है। स्पाइडर गर्ल कहती है कि हमें इस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए। स्पाइडरमैन इंडिया कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारे यूनिवर्स में स्पाइडरमैन कैसे काम करते हैं, पर मेरे यूनिवर्स में हम किसी को मारते नहीं हैं। स्पाइडरमैन नॉर कहता है पर इसने अल्टरनेट यूनिवर्स के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, हम इसे ऐसे ही खुला नहीं छोड़ सकते हैं। सुपीरियर स्पाइडरमैन कहता है कि मैं इसे नहीं मारूंगा, मैं इसे इंटरोगेट करूंगा। वो उसे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। मॉर्लुन कहता है कि मिशन मेरा कोई मिशन नहीं है, मेरा यही काम है। मैं स्पाइडर्स को ढूंढता हूँ और उन्हें मारकर खा जाता हूँ और यही मेरी फैमिली का भी काम है। दुआ करो तुम मेरी फैमिली में से किसी को ना मिलो। स्पाइडरमैन नॉर कहता है इसके जैसे और भी है, हमने मुश्किल से इस एक को हराया है। सुपीरियर स्पाइडरमैन उससे पूछता है क्या मेरा वेपन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पर काम करेगा, तो कहता है कि हाँ बिल्कुल करेगा, पर थोड़ी ही देर तक, और फिर वो उसके वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि तुम्हारा वेपन ओवरलोड हो गया है। मॉर्लुन उन सभी पर हमला करना शुरू कर देता है। स्पाइडर गर्ल कहती है कि मॉर्लुन अभी भी वीक है हमारी वेपन की वजह से, इसलिए हमें हमारी फुल पावर्स के साथ उस पर हमला करना चाहिए। और इसीलिए सभी स्पाइडर पीपल एक साथ मॉर्लुन पर हमला करते हैं। तभी उनके पीछे एक पोर्टल खुलता है और मॉर्लुन के दो छोटे भाई वहाँ पर आते हैं। मॉर्लुन उसे कहता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, ये मेरी लड़ाई है, पर वो दोनों कहते हैं कि नहीं, हमें भी स्पाइडर्स को खाना है। मॉर्लुन और उसके दो भाई सभी स्पाइडर्स पर भारी होना शुरू हो जाता है और इसीलिए सुपीरियर स्पाइडरमैन कहता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। इसलिए एना एक पोर्टल खोलती है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो सभी लोग वापस ईयर 2099 में आ जाते हैं। सुपीरियर स्पाइडरमैन कहता है मेरा वेपन तो उन पर काम नहीं किया, पर हमें ये पता चल गया है कि वो लोग हमें सेंस कर सकते हैं, इसलिए मैं कुछ मॉडिफिकेशन से मेरे वेपन को चेंज कर सकता हूँ जिससे वो लोग हमारी लोकेशन को पता ना लगा पाए। फिर सुपीरियर स्पाइडरमैन अपना प्लान सभी को समझाता है। वो साइबर स्पाइडरमैन से कहता है कि मैंने तुम्हारे आर्म को अपग्रेड कर दिया है, अब तुम उसकी मदद से इस यूनिवर्स के सभी डेटाबेसिस को पूरी तरह से एक्सेस कर पाओगे। तो तुम पूरी टाइम स्ट्रीम को स्कैन करो, नाम, ब्रिक्स, काल, बोरा या फिर और कोई भी क्रीचर जो उनकी डिस्क्रिप्शन को फिट करते हैं, हमें उनके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो बाकी को कहता है कि तुम सभी लोग यहीं पर रुको, मैं बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। दूसरी तरफ मॉर्लुन को अपना पास्ट याद आता है। वो याद करता है कि कैसे द वीवर ने उनके वर्ल्ड पर हमला किया था। मॉर्लुन के पास उसे मारने का चांस था और उसने ऐसा नहीं किया और उसकी वजह से उसकी मदर मर गई। ये इवेंट्स के बाद उसके फादर को उस पर इतना गुस्सा आया
कि उसने उसके फेस को छुपाने के लिए एक मास्क उस पर वेल्ड कर दिया और उसे उसके घर से निकाल दिया। मोरलुन उन सभी से अलग था। उसके सभी भाइयों को स्पाइडर को मार के खाने में मजा आता था, पर मोरलुन को ऐसा नहीं लगता था। वो ये सब इसीलिए करता था क्योंकि ये उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था। पर अब जब उसे अपने ही घर से निकाल दिया गया है तो वो सभी यूनिवर्स में जाके हंट करता है ताकि वो अपनी फैमिली में वापस एक प्लेस ले सके। स्पाइडरमैन 2099 द एवेंजर्स के साथ एवेंजर्स टावर में है। कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें कुछ सता रहा है। स्पाइडरमैन 2099 कहता है कि पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कोई मेरा पीछा कर रहा है। वुल्वरिन पूछता है कि कौन तुम्हारा पीछा कर रहा है, तो वो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। तभी टावर में इंटरनल अलार्म्स बजना शुरू हो जाते हैं और तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है और मोरलुन वहाँ पर आ जाता है। कैप्टन अमेरिका सभी से कहता है कि उस पर हमला करो। मोरलुन सभी को आसानी से हरा देता है। फिर वो स्पाइडरमैन 2099 के पास आता है और कहता है कि वो सब तो सिर्फ स्टार्टर्स थे, तुम मेरा मेन कोर्स हो, और वो फिर उससे एनर्जी निकालना शुरू करता है और आखिर में वो स्पाइडरमैन 2099 को मार देता है। कैप और वुल्वरीन वापस उस पर हमला करते हैं पर वो वहाँ से भाग जाता है। और 6375 पे मिगवेल और एमजे बात कर रहे होते हैं। वो एमजे से कहता है कि मैं मोरलुन पर बहुत टाइम से रिसर्च कर रहा हूँ, पर ऐसा करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे हमारी लोकेशन मिल गई है। मैंने उसके जैसे और भी बहुत लोगों को ढूंढा है और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। एमजे पूछती है कि तुमने ये हेडबैंड क्यों पहना है। वो कहता है कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे मिगवेल्स अलग अलग टाइमलाइन में है, इस हेडबैंड की मदद से मैं उन सभी को इकट्ठा करना चाहता हूँ। एमजे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मिगवेल कहता है कि क्योंकि मोरलुन सभी स्पाइडर्स को मार रहा है, अब हम जैसे बहुत कम लोग बचे हैं, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो हम सभी को मार देगा। एमजे पूछती है कि तुम कहाँ जाओगे। तो मिगवेल कहता है कि मैं अर्थ 616 पर जाऊँगा, वो एक ऐसा अर्थ है जहाँ पर उसे आने में डर लगेगा। एमजे पूछती है कि ऐसा क्यों। तो मिगवेल कहता है कि क्योंकि वो वहाँ पर मर गया था। तो एमजे पूछती है कि अगर वो मर गया था तो अभी जिंदा कैसे है। मिगवेल कहता है कि वो जिंदा है, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं और अब तुम क्वेश्चन पूछना बंद करो। एमजे कहती है कि ठीक है, पर एक बात जान लो, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। मिगवेल अपना पोर्टल एक्टिवेट करता है और वो एमजे से कहता है कि बस 5 मिनट और फिर हम अर्थ 616 में पहुँच जाएंगे, और अगर हम लकी हो गए तो हम डायरेक्टली अर्थ 616 के मिगवेल के पास पहुँच जाएंगे। पोर्टल खुलता है और मिगवेल और एमजे उस पोर्टल के दूसरी साइड को अर्थ 616 से मिगवेल को देख सकते हैं। वो लोग पोर्टल से इस अर्थ पर आने ही वाले होते हैं कि तभी मोरलुन वहाँ पर आ जाता है और उस अर्थ के मिगवेल को पकड़ लेता है। और 616 का मिगवेल ये देखकर कहता है कि ये तो मोरलुन है, मैं इसे जानता हूँ, पर ये तो मर गया था, ये जिंदा कैसे है और वो मेरे दूसरे वर्जन को कैसे मार रहा है। और 616 का मिगवेल मोरलुन से कहता है तुम लड़ाई करनी है तो आ जाओ इस साइड पर। मोरलुन और 616 में आने से डरता है, वो उस अर्थ के मिगवेल को मारकर वहाँ से चला जाता है और उसकी बॉडी को उस ओर फेंक देता है। और 616 का मिगवेल उस बॉडी को देखता है और कहता है कि मुझे जल्दी से पीटर पार्कर को ढूंढना होगा। और 616 पर पीटर पार्कर सिंडी मून और एना के साथ रह रहा है। एना पीटर को समझाती है कि अब वो एक कंपनी का सीईओ है, उस पर बहुत सारे लोगों की जॉब्स डिपेंड करती है, इसलिए वो पूरा दिन स्पाइडरमैन बनकर लोगों की मदद नहीं कर सकता है। वो समझाती है कि जब ऑटो ऑक्टेव स्पाइडरमैन था तब वो छोटी छोटी चीज़ों को पुलिस पर छोड़ देता था और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए, पर पीटर उसकी बात नहीं मानता है और वो स्पाइडरमैन बनकर वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर मिनर्वा एक कुकून को चोरी कर वहाँ से भाग रही होती है। तभी मिस मार्वल यानी कमाला खान वहाँ पर आ जाती है और उसे रोकने का ट्राई करती है। स्पाइडरमैन भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। मिस मार्वल उस ककून को देखती है और वो रियलाइज़ करती है कि वो ककून ऐसा ही है जिसमें से वो बाहर आई थी और उससे अपनी पावर्स मिली थी। डॉक्टर मिनर्वा उसके सोल्जर से कहती है तुम इस ककून को लेकर आगे बढ़ो और हमारे डेस्टिनेशन पर पहुँचो, मैं इन दोनों को हैंडल कर लूँगी। डॉक्टर मिनर्वा अपने जायंट मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। कैप्टन ब्रिटन अपनी मशीन की मदद से
पूरे मल्टीवर्स को स्कैन करता है और वो मॉर्लुन और उसकी फैमिली को सभी स्पाइडर्स को मारकर खाते हुए देखता है। मॉर्लुन की फैमिली को ये पता चल जाता है कि स्पाइडर ब्रिटन उन सब पर नज़र रख रहा है और इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसको भी मारकर खा जाएंगे। ये देखकर स्पाइडर ब्रिटन डर जाता है और वो डिसाइड करता है कि ये वो बात सभी को बता देगा। स्पाइडर यू के मैजिस्ट्रिक से मिलने के लिए आता है। वो उसे समझाता है कि पूरे मल्टीवर्स में सभी स्पाइडर्स को मारा जा रहा है और इसीलिए उसे उनकी मदद चाहिए। मैजिस्ट्रिक्स कहती है कि मेरे आसपास इतने सारे वर्ल्ड्स मर रहे हैं और मैं अपना टाइम इंसेक्ट मैन को बचाने में वेस्ट करूं, इसे मेरी नज़रों से अभी के अभी हटा दो। लेडी रोमा स्पाइडर यूके को लेकर जाती है। वो उसे कहती है कि मुझे माफ़ करो, पर मैजिस्ट्रिक्स अभी बहुत टेंशन में है। फिर वो स्पाइडर यूके को एक टोटम देती है। वो कहती है कि ये टोटम से तुम एक पूरा वेब एक्सेस कर सकते हो और ये वेब पूरे मल्टीवर्स में फैला हुआ है, जिसका मतलब है कि तुम इस वेब की मदद से किसी भी अर्थ पर जा सकते हो। अगर पूरे मल्टीवर्स के सभी स्पाइडर्स को मारा जा रहा है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीज़न होगा और इसीलिए मैं तुम्हें एक मिशन देती हूँ। इस टोटम की मदद से तुम सभी अर्थ पर जाओ और सभी स्पाइडर पीपल को इकट्ठा करो और इस कहानी को यहीं पर ख़त्म करो। स्पाइडर यू के इस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। और दोस्तों, यहीं पर हम एपिसोड 2 ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर हल स्मैश मार दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको सभी नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए। मेरा नाम है नील, ये है कॉमिक्स असेंबल। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही रिलीज़ करूँगा।